हेलो एवरीवन, माय सेल्फ राहुल गुनावत, और आज हम बात करेंगे कि जो एंटी रिमेटाइड जो डिजीज हैं उसके अंदर जो क्लासिकल जो ड्रग यूज किए जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे अपन। तो दो तरह से ड्रग यूज किए जाते हैं, कन्वेंशनल मेथड से और एक बायोलॉजिकल मेथड से। अगर कन्वेंशनल मेथड की अगर बात की जाए उसको हम ट्रेडिशनल डिमार्ट्स बोलते हैं, और जो बायोलॉजिकल कि अगर क्लासिकल की फॉर्म से अगर जो ड्रग यूज किए जाते हैं उसको बोला जाता है, वो फॉर्म होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि कन्वेंशनल अगर मेथड की अगर बात कन्वेंशनल मेथड के अंदर बात करें तो इसका एक निमोनिक्स है, मतलब जो हमारी जो कन्वेंशनल जो हमारी रिमेटाइड जो एंटी रिमेटाइड जो डिजीज हैं उसके अंदर जो ड्रग यूज किए जाते हैं कन्वेंशनल मेथड के अंदर उनके बारे में बात करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा कि जो निमोनिक्स हैं वो निमोनिक्स क्या है, मैं बता देता हूं आपको। तो मैं बात कर रहा था कि जो निमोनिक्स के बारे में बात कर रहा था कन्वेंशनल के अंदर और जो ट्रेडिशनल डिमांड से, इसका जो 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 इसका निमोनिक्स है वो क्या है, निमोनिक्स वो ये है निमोनिक्स, ध्यान से देखिएगा, क्यूट पगली मल्लिका शेरावत, करेक्ट, क्यूट पगली मल्लिका शेरावत। क्यूट से यहाँ पे क्लोरोक्विन है, पी से यहाँ पे पेनिसिलामाइन है, ऐसे यहाँ पे एजा थायोप्रिंस है, और जी से यहाँ पे गोल्ड सोल्ट है, एल से यहाँ पे लेफनोमाइट्स है, आई से यहाँ पे इम्यूनो सप्रेशेंट है जो एक जेनस काइनेस इनिबिटर है जेनस काइनेस का, और जो मल्लिका से यहाँ पे है मेथोट्रेक्सेट है, और सेरावस से यहाँ पे सल्फोसेलेजाइन्स है। ये जो सारे के सारे ड्रग हैं ये यूज लिए जाते हैं किसके अंदर, कन्वेंशनल मेथड के अंदर यूज में लिए जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कि जो बायोलॉजिकल डिमांड्स हैं, इस बायोलॉजिकल डिमांड्स के अंदर जो ड्रग यूज में लिए जाते हैं उसका निमोनिक्स है, और वो तीन तरह के यूज होते हैं, इनिबिटर होते हैं इसके अंदर, टीएनएफ अल्फा इंटरल्यूकॉन फर्स्ट इनिबिटर और इंटरल्यूकॉन सिक्स इनिबिटर। जो टीएनएफ अल्फा इनिबिटर होता है इसके लिए जो निमोनिक्स है वो है एसीई इनिबिटर गोली, करेक्ट, हिंदी के अंदर अपन टेबलेट्स को गोली बोलते हैं ना, तो वही है यहाँ पे गोली का मतलब, एसी इनिबिटर है इसका जो निमोनिक्स है वो है इसका जो टीएनएफ अल्फा का इनिबिटर है वो उसका जो ड्रग्स जो यूज किए जाते हैं उसका निमोनिक्स है एसीई इनिबिटर गोली। ऐसे यहाँ पे अडिले मुबेब, और सी से यहाँ पे सल्टोली जुमेब, और ई से यहाँ पे है इथेनिल सेफ्ट, और इनिबिटर से यहाँ पे इनफ्लेक्सी मैप, और गोली से यहाँ पे गोली मुबेब, करेक्ट। ये एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं जो हमारे जो टीएनएफ अल्फा के अगेंस्ट में है दी जाती है, और ये सभी तरह के जो ड्रग है वो एक इंजेक्टेबल ड्रग है, करेक्ट, जितने भी ये ऐसे इनिबिटर वाले जो ड्रग है गोली इनिबिटर गोली वाले। जो जो इन्फ्लेक्सी मैप है ये इंट्रावेनम होता है, और जो सभी तरह के आदर है वो एक सबक्यूटेनियसली देते हैं अपन। दूसरी बात ये कि जो टीएनएफ अल्फा है इस टीएनएफ अल्फा को हम एक इंजेक्टेबल देते हैं, इंजेक्शन से देते हैं, और ये क्यों देते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो हिपेटाइटिस बी है उसका जो इन्फेक्शन है तो उस इन्फेक्शन को बचाने में ये क्या करता है, जो टीएनएफ अल्फा का जो इंजेक्शन है वो एक मदद करता है। मतलब अपन बोल सकते हैं कि जो टीएनएफ अल्फा है ये सामान्य रूप से हमें मतलब जो इन्फेक्शन है जो संक्रमण जो बढ़ता है हेपेटाइटिस बी का मोस्ट कॉमनली उनसे होने से ये बचाता है, करेक्ट, इसलिए हम इसको देते हैं। तो इस वीडियो के अंदर अपन ने डिमांड्स के बारे में बात की, तो डिमांड्स दो तरह से देखे, ट्रेड जो एक तो एक बायोलॉजिकल और एक ट्रेडिशन कन्वेंशनल के अंदर देखा अपन ने, दोनों की एक निमोनिक्स थी उनकी फॉर्म से अपन ने ये डिमांड्स के बारे में बात की, करेक्ट। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी, अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल, और इसके जो नोट्स है अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा मैं, वहां से आप देख सकते हो। थैंक यू।